एवरीवन, दिस इज अनुजा रावत। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम एक देसी और घरेलू उपचार के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी स्किन को नेचुरली ग्लो और हमारे बॉडी को शाइन देता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना कैसे। तो इस उपचार को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा 1 टेबल स्पून बेसन, 1 टेबल स्पून हल्दी एंड 1 टेबल स्पून दही एंड 1 टेबल स्पून हनी शहद। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो आप हनी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है तो आप इस हनी की जगह नींबू का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले हम 1 टेबल स्पून बेसन लेंगे। अब इस बेसन में हम 1 टेबल स्पून दही मिक्स करेंगे। इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसको मिक्स कर लिया है, अभी ये इस तरह का दिखेगा। इसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून शहद डालेंगे। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसकी जगह नींबू का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद हम 1 टेबल स्पून इसमें हल्दी मिक्स करेंगे और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, अभी आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका अप्लाई कैसे करना है। मैंने अभी स्किन पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, तो चलिए देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। फर्स्टली मैं अपने सारे हेयर्स अच्छे से टाई कर लेती हूँ। ओके, इसको हमेशा आप अपने क्लीन फेस पे ही अप्लाई करें। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितना ज़्यादा थिक है ये। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो आप इसको वीक में 2 टाइम्स लगा सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है स्किन के लिए, इससे बिल्कुल नेचुरल ग्लो आता है। जैसे कि आपने देखा, मैंने अभी इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है। इसके लिए भी मैं 15 मिनट्स बाद इसको वॉश करूँगी। तो बोलते हैं 15 मिनट्स के बाद। अभी आप लोग देख रहे हैं इसको 15 मिनट्स हो चुके हैं और ये पूरी तरह से ड्राई हो गया है। ओके, एंड अभी मैं इसको अच्छे से वॉश करके आती हूँ, तो देखते हैं फिर रिजल्ट कैसा आता है। मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है।
एंड यू कैन सी द रिजल्ट. आप देख सकते हैं कि एकदम से मेरी स्किन पे ग्लो आ गया है. तो ऐसे ही होममेड रेमेडीज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.